नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो और एक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आ चुका हूँ एक्चुअली ड्यूटी में और अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस एक्चुअली। तो मैं गाड़ी अभी ग्राउंड फ्लोर पे लेके आया हूँ और सर इधर से आएंगे। दोस्तों अभी मैं फिलहाल हूँ अपने कंपनी के 12th फ्लोर में और यहाँ से देखो काफी अच्छा व्यू आता है। देख रहे हो, मस्त व्यू आता है। तो फिलहाल मैं अभी 12th फ्लोर में हूँ और यहाँ पे काम चल रहा है एक्चुअली। ऑफिस वगैरह यहाँ पे सेटअप होंगे, अभी फिलहाल बहुत सारे काम है यहाँ पे, काम चल रहे हैं। अगर आप बेंगलोर में हो और बेंगलोर में काफी टाइम से हो तो आपको मालूम है कि आप हाउस ड्राइविंग जॉब कैसे कर सकते हो। आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा हाउस ड्राइविंग जॉब के लिए, और अगर आपको मिलता है तो आप हाउस ड्राइविंग जॉब कर सकते हो। कंपनी से काफ़ी बेहतर है, कंपनी ड्राइवर जो होते हैं वो उसमें पिकअप ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा देते हैं और उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहता है। और हाउस ड्राइविंग जॉब में उतना ज़्यादा भागदौड़ नहीं रहता है एक्चुअली। और वो तो आपको पेमेंट के बारे में क्या बोलूँ, पेमेंट आप फिक्स कर सकते हो। आप जिस ओनर की गाड़ी चलाओगे उस ओनर के साथ बात करके आप सैलरी फिक्स कर सकते हो। 20 से ऊपर ही मिलता है, 25-20 वो आपके ऊपर डिपेंड होता है और अपने ओनर के ऊपर डिपेंड रहता है। वो आप दोनों मिलके आप फिक्स कर सकते हो सैलरी। और रूम वगैरह तो वो लोग नहीं देते एक्चुअली, वो अपना ही रहता है। तो हाँ, और अगर आप कंपनी में जॉब करना चाहते हो और कंपनी में जैसे कि पिकअप ड्रॉप करना चाहते हो, तो मैंने भी किया है एक साल जैसा। तो उसमें क्या रहता है, ओवर स्पीड का मतलब प्राइस काटते हैं ये लोग और रिस्ट्रिक्शन रहता है और आपका कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो वो लोग 500-600 उससे ज़्यादा भी काट सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कितना काटेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको कंपनी में भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा अगर बेंगलोर में आके जॉब करना चाहते हो। तो पिकअप ड्रॉप में भी आपको 20 से ऊपर ही मिलेगा आप अगर फुल ड्यूटी करते हो तो ठीक है। उसमें भी आपको छुट्टी मिलेगा, संडे का या सैटरडे छुट्टी रहता है। तो मेरा तो सैटरडे छुट्टी रहता था पहले मैं जब करता था, और संडे मेरा ड्यूटी रहता था। वीकली एक छुट्टी रहेगा ये आपका, ठीक है। और उसमें भी ठीक है, ठीक ठाक है। अगर आप फ्रेशर हो आप कर सकते हो आके, और अगर आप करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा 2-3 कंपनी का, वहाँ पर आप जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा, कंपनी का नंबर। और अगर आप लोग हाउस ड्राइविंग जॉब करना चाहते हो, ओनर को हाफ टाइम के लिए ड्राइवर चाहिए, 2-3 घंटे के लिए चाहिए, किसी को 6 घंटे के लिए चाहिए, किसी को 12 घंटे के लिए चाहिए, तो ओनर के ऊपर डिपेंड रहता है एक्चुअली। जो प्राइवेट ड्यूटी है वो ओनर के ऊपर ही डिपेंड रहता है, वो कितने घंटे के लिए उसको ड्राइवर चाहिए, तो उसी घंटे के हिसाब से आपको मतलब पेमेंट करेंगे वो लोग। तो कंपनी का अगर ड्राइविंग कंपनी का ड्राइव करते हो तो उसमें 12 घंटे का ड्यूटी ही रहता है और उसमें अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, 20 से ऊपर ही मिलेगा आपको अगर आप कंपनी में करते हो। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम आए हो बेंगलोर और ड्राइविंग जॉब करना चाहते हो तो आप किसी भी कंपनी में पिकअप ड्रॉप कर सकते हो, एम्प्लॉई पिकअप ड्रॉप, जो कि मैंने किया है पहली बार आके। तो आप भी कर सकते हो, बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे पिकअप ड्रॉप करवाते हैं एम्प्लॉई। जिस कंपनी का मेरे पास लिंक है मैं वो दे दूंगा, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पे आप बात कर सकते हो सिक्योरिटी से या फिर किसी ओनर से बात कर सकते हो। आप बात करके आप पूछताछ कर सकते हो, अगर ड्राइविंग जॉब पोस्ट खाली रहता है तो मुझे आप एक बार फ़ोन करके बोल देना। आप फ़ोन नंबर दे सकते हो ओनर को या फिर आप सिक्योरिटी को दे के रख सकते हो, तो सिक्योरिटी आपको इजीली आपको अगर ड्राइविंग जॉब खाली रहता है तो इजीली आपको फ़ोन करके बोल देगा कि एक पोस्ट खाली है, आप आके बात कर सकते हो ओनर से। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे और देखता हूँ बाहर जा सकता हूँ चाय पीने। अभी लिफ्ट काफ़ी नीचे है, आने के बाद नीचे जाना है, ठीक है। तो दोस्तों जस्ट अभी मैं चाय पी के आया हूँ बाहर से और अपने गाड़ी के सामने आ चुका हूँ बेसमेंट 1 में। और आज का इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा
आई होप अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट में जरूर बोलना, मैं कमेंट का रिप्लाई पक्का दूंगा। और एक वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।